से तैयार किया गया है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है इसकी। आज तो मैं सारे ब्रांड खरीद ही लूंगा, आपको बेस्ट से वर्स्ट प्रोडक्ट बताऊंगा। और आज मैं मार्केट आया हूँ, यहाँ पर काफी फेस वॉशेज हैं आप देख सकते हो, और मैंने सभी कैटेगरीज में से जो भी प्रोडक्ट अच्छा है, जिसके इंग्रेडिएंट अच्छे हैं, उस प्रोडक्ट को बाय किया है। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट चेक किए हैं, उसके बाद मैंने इन प्रोडक्ट्स को बाय किया है। मोर देन 20 फेस वॉशेज आई बाय फॉर दिस वीडियो। इवन मैं पतंजलि के शोरूम में भी किया, वहाँ से भी मैंने पतंजलि का फेस वॉश बाय किया स्पेशली फॉर दिस वीडियो। गाइज ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, लाइक इसमें मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, लाइव करूँगा और आपको दिखाऊंगा इसके रिजल्ट। हमारे फेस की आउटर लेयर गाइज काफ़ी पतली होती है, सोचो अगर हम कोई भी ऐसे यूजलेस प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर लें तो हमारी स्किन का क्या होगा, बैंड बच जाएगी हमारे फेस की, खत्म, बाय बाय, टाटा, गया, और हमारी स्किन टोटली खराब हो जाएगी। अब हमें पता भी होता है इन फेस वॉशेज में काफी हार्मफुल इंग्रेडिएंट होते हैं, बट फिर भी हम इन्हें बाय करते हैं, क्यों? हमारी मेंटेलिटी ऐसे होती है, हमारी साइकोलॉजी ऐसी बनी होती है, हम किसी भी एक्टर की एड देखते हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लाइक मेरा फेवरेट शाहरुख खान सिर्फ कंधा नहीं बंदा बन है, और उसने फेस वॉश की एड दी और मैं उनसे इन्फ्लुएंस हो गया और बाय कर लिया, विदाउट एनी नॉलेज बाय कर लिया। मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती, तो वो मेरी स्किन पे सूट करेगा और नहीं भी करेगा, बस मेरा फेवरेट शाहरुख खान है और बाय कर लिया। इसके अलावा गाइस काफ़ी लोग जो पॉपुलर ब्रांड के पीछे भागते हैं, ये पॉपुलर है, काफ़ी लोग उन्हें खरीदते हैं, हम भी खरीद लेते हैं, और ऐसे ही रैट रेस में लगे रहते हैं, उन ब्रांड्स को खरीदते रहते हैं जो कि हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें मालूम भी होता है कि इन फेस वॉशेज में काफ़ी हार्मफुल इंग्रेडिएंट होते हैं, तो अगर नहीं भी पता तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इन सभी कंपनीज का खुलासा करूंगा जो हमें सफ़ेद झूठ बोलती हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स में काफ़ी हार्मफुल इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी चीप रेट के होते हैं पर फिर भी यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट इनको बैन नहीं करती और ना ही इन कंपनीज को अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ये नॉर्मली इन सभी हार्मफुल इंग्रेडिएंट को अपने प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं और खुले यहाँ बेचते हैं, और हम जैसे मूर्ख इन प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं, सोचे समझे यूज़ करते रहते हैं, हम सुंदर दिखेंगे और अच्छे दिखेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, हमारा फेस भगवान का दिया हुआ एक अच्छा सा तोहफा है, मैं नहीं चाहता कि आपका फेस खराब हो इन यूजलेस प्रोडक्ट को यूज करने की वजह से। स्पेशली मैं आपको इस वीडियो में एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, मैंने अप्रोक्स सभी ब्रांड्स के फेस वॉशेज बाय किए हैं जो कि ऑलमोस्ट आप भी घर में यूज़ करते होंगे, 100% आई श्योर कि आप यूज़ करते ही होंगे, और मैं इन सभी प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा, लाइव करके दिखाऊंगा, लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो गाइज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये बिल्कुल भी नहीं है मैं किसी ब्रांड को नीचा दिखाऊं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मैं इन सभी ब्रांड्स के बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बता सकती हूँ, किन किन फेस वॉशेज में अच्छे इंग्रेडिएंट हैं और किन किन फेस वॉशेज में हार्श इंग्रेडिएंट हैं, ताकि आपको मालूम पड़ जाए, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, जो हार्श प्रोडक्ट हैं और उनको यूज करना बंद कर दें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। आज की वीडियो में ये प्रोडक्ट काफी हेल्प करने वाला है, इसको पीएच पेपर और लिटमस पेपर बोलते हैं, ये हमारे इन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने में काफी हेल्प करेगा, इस प्रोडक्ट में कौन से हार्मफुल इंग्रेडिएंट हैं और किस प्रोडक्ट में नहीं है। वर्क ये है, इस पेपर पे जब हम कोई एसिडिक प्रोडक्ट डालेंगे तो ये रेडिश हो जाएगा, और जब हम कोई अल्कलाइन और बेस प्रोडक्ट डालेंगे तो ये ब्लूइश हो जाएगा, जिससे हमें पता लग जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा ज़्यादा हार्श है और बेसिक है। मैं पीएच बार बार बोल रहा हूँ गाइज, इसके बारे में आपको डेफिनेशन बता दूँ, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इन एनी सब्सटेंस। सबसे पहले गाइज हम इस पीएच पेपर का टेस्ट करेंगे और आपके सामने मैं इसको दिखा दूँ। हम सबसे पहले इस पर बेस डालेंगे जो कि मैंने एक डिटर्जेंट सोप ली है, हम इसके कुछ पार्टिकल्स बीकर में डाल देंगे। अब चेक करते हैं रिजल्ट आपके सामने होगा। गाइस ये डिटर्जेंट सॉल्यूशन है और पीएच पेपर को हम इसमें डिप करेंगे, लाइक आप देख सकते हो इट टर्न इनटू ग्रीनिश जो कि बेस का सिंबल है, और इसका पीएच लेवल 9 to 10 है जो कि काफी हार्श है हमारे फेस के लिए। तो गाइस अब हमने लिया लेमन और इसके कुछ ड्रॉप्स हम इस बीकर में डालेंगे, हम इस पीएच पेपर को इसमें डिप करेंगे और आप रिजल्ट देखना, लाइक इट्स टर्न इन टू रेड, लाइक ये प्रॉपर एसिडिक है, लाइक नींबू भी एक सिट्रिक प्रोडक्ट है, एसिडिक होता है, और ये एसिडिक कलर में चेंज हो गया, रेड कलर में चेंज हो चुका है। इसकी पीएच वैल्यू आप देख सकते हो 1 है जो कि रेड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। सबसे पहले हम फेमस ब्रांड की बात करते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है, फेयर एंड लवली, जिसपे माए ट्रस्ट करते हैं, लड़कियाँ का फेवरेट ब्रांड है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, जो भी लड़कियाँ ये वीडियो देख रही हैं अब ध्यान से देखना, ये पास होगा भी और नहीं। अब करते हैं इसकी टेस्टिंग, हम मिक्सिंग करते हैं,
अकाउंट्स लगाने वाली लड़कियां दिल थाम कर बैठ जाएं, अब देखते हैं इसका रिजल्ट। गाइस आप देख सकते हो ये काफी बेसिक है, काफी हार्श है आपकी स्किन के लिए। प्रोस इसकी पीएच वैल्यू 8-10 है, लाइक जितना हमने डिटर्जेंट डाला था, और आप फेयर एंड लवली फेस वॉश यूज कर रहे हो। सेकंड नंबर पे आता है गाइस क्लीन एंड क्लियर, काफी फेमस ब्रांड है, काफी पॉपुलर है, लाइक लोग कहते हैं इससे शाइयां दूर होती हैं, मुहांसे दूर होते हैं, पिंपल एक्ने सब कुछ दूर हो जाता है, सब कुछ गायब हो जाता है हमारी स्किन से। अब देखते हैं कि ये टेस्ट क्लियर पाता भी है और या नहीं भी, बातें ही है इसकी। एक हमने प्रोडक्ट डाला इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब देखते हैं गाइस ये टेस्ट को क्लियर कर पाता है कि नहीं। ये गाइस आप देख सकते हो ये भी कितना हार्श प्रोडक्ट है जो हम मोस्टली यूज करते हैं घरों में, क्या ही बात करूं इसके बारे में। तो सैटिस्फाई रिजल्ट आया इसका गाइस, हमारी स्किन का पीएच लेवल 4.5-5.8 होता है जो कि एक्यूरेट माना जाता है, जिसका कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अच्छा होता है जो इस रेंज में आते हैं। अगर 4.5 से कम होगी हमारे पीएच लेवल तो काफ़ी हमें पिंपल्स ऑयल स्किन हो जाएगी, और 5.8 से ज़्यादा होगी तो हमारी स्किन हार्श ड्राई और काफ़ी रिंकल्स आ जाएंगे हमारे फेस पे जल्दी। अब बात करते हैं गाइस फेयर एंड हैंडसम स्पेशली फॉर बॉयज का ट्रस्टेड ब्रांड, लाइक इससे तो आदमी सुंदर से काफ़ी सुंदर हो जाता है। अब इसको अच्छे से मिक्सअप करते हैं, चेक करते हैं गाइस ये टेस्ट क्लियर कर पाता है कि नहीं। ध्यान से देखिएगा जो फेयर एंड हैंड्स यूज करते हैं। ओ ओ गाइस आप देख सकते हो ये भी काफी हार्श प्रोडक्ट है। कोई तो अच्छा ब्रांड आ जाओ जो टेस्ट क्लियर कर पाए। लाइक आज तक जितने भी फेमस प्रोडक्ट मैंने बोला ना, जो जितने फेमस ब्रांड होते हैं उतना आपका काटते हैं, और आप देख ही रहे हो आपके सामने ये ब्लू पेपर काफी हार्श है, तो इसको भी फेंकते हैं। अब गाइस बात करते हैं हिमालय फेस वॉश जो कि काफी फेमस है, लाइक इसमें नीम इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि हमारे स्किन में से काफी पिंपल को दूर करता है। अब देखते हैं ये टेस्ट क्लियर कर पाता है। तो इसको अच्छे से मिक्सअप करते हैं। वाओ इट्स रियली गुड गाइस, इसका रिजल्ट काफी अच्छा है, यूज कर सकते हैं। ओ ओ फेंकना नहीं गाइस, हम इसको यूज कर सकते हैं। इट्स क्लियर द टेस्ट गाइस, वेल डन गाइस। अब बात करते हैं इस ब्रांड की उस्तरा, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं था जिसकी वजह से मुझे ऑनलाइन परचेज करना पड़ा। अब देखते हैं कि मुझे इसका फायदा होगा परचेज करने का और नहीं। सॉरी गाइस सील लगी हुई थी। पैकेजिंग तो अच्छी है इसकी प्रोडक्ट की, अब देखते हैं रिजल्ट भी अच्छा है कि नहीं। इसको करते हैं जल्दी से मिक्सअप। भाई लाज रख लियो, ऑनलाइन मंगाया तुझे। भाई क्या बात है, इसकी पीएच वैल्यू ही अच्छी है। थैंक यू भाई लाज रख ली। गाइस बात करते हैं जो कि गार्नियर का फेमस फेस वॉश है, मोस्टली अप्रोक्स 80% पीपल इसको यूज करते हैं। अब देखते हैं कि ये एक टेस्ट क्लियर कर पाता है कि नहीं। ऐसे घबराहट हो रही होगी जो भी ये फेस वॉश देख रहे होंगे। सॉरी गाइस थोड़ा सा गिर गया प्रोडक्ट। सभी डाउट में हो गए जो ये फेस वॉश यूज कर रहे होंगे। अब देखते हैं फिर से ग्रीनिश गाइस, काफी हार्श है ये प्रोडक्ट, अभी इसको यूज करना बंद कर दें, मैं नहीं चाहता आपकी स्किन खराब हो, प्लीज गाइस रिक्वेस्ट है। इसको भी देखते हैं। अब गाइस बात करते हैं VLCC का चारकोल फेस वॉश, अब देखते हैं ये टेस्ट क्लियर करता है कि नहीं। कलर भी है इसमें, फ्रेग्रेंस भी है। गाइस इसका पीएच लेवल भी ठीक है, यूज कर सकते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट आया। अब बात करते हैं गाइस पॉन्ड्स ब्रांड की, बच्चों के लिए यूज किया जाता है गाइस घरों में,
लाइक बच्चों की स्किन काफ़ी नाजुक होती है, हम उस पर ये ब्रांड यूज़ करते हैं। अब देखते हैं ये ब्रांड अच्छा है, इसके इंग्रेडिएंट अच्छे हैं कि नहीं। अब इसको करते हैं मिक्स, अब देखते हैं बच्चों के लिए सूटेबल है या नहीं। भी ध्यान से देखना इसका रिजल्ट। ओह माय गॉड, फिर से काफ़ी हार्श है, अप्रोक्स 9-10 की पीएच वैल्यू है। तो गाइज हम ये बच्चों पे यूज कर रहे हैं ये ब्रांड। नहीं रुक, कहाँ से आते हैं? तो गाइज अब बात आती है वाओ फेस वॉश की। ये दिस डेज काफी ट्रेंडिंग में है और काफी पॉपुलर ब्रांड है। हम देखते हैं अब ये हमारी डिजायर को फुलफिल कर पाता है। इसकी पैकेजिंग भी गाइज काफी अच्छी है, फेस पे रब करने के लिए काफी डिफरेंट स्टाइल है एज कम्पेयर टू अदर फेस वॉशेज। और पैकेजिंग भी काफी अच्छी है, अट्रैक्टिव है। अब रिजल्ट देखते हैं इसका अट्रैक्टिव है कि नहीं, चेक करते हैं। वाओ, इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। जैसा इसका नाम है वाओ, वैसे इसका काम है, आप देख सकते हो। तो गाइज हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, इट इज गिव वेरी सेटिस्फाइड रिजल्ट, काफी ट्रस्टफुल है। गाइज अब बात करते हैं O3 ब्रांड की। ये काफ़ी पॉपुलर है सलोन्स में, ये काफ़ी यूज्ड और इसके फेशियल्स काफ़ी कॉस्टली हैं और इसके फेस वॉश भी ये काफ़ी कॉस्टली है, अप्रॉक्स 400 के आसपास है। लाइक हम इसका रिजल्ट देखते हैं। लाइक इसका आप रिजल्ट देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है, न्यूट्रल है, ये काफ़ी बैलेंस्ड है। लाइक तभी इस प्रोडक्ट को सलोन्स में यूज़ किया जाता है, आप इस पर आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस पतंजलि ब्रांड, सभी ने सुना ही होगा ये ब्रांड, ये काफ़ी फेमस है। लोग बोलते हैं ये हर्बल है, आयुर्वेदिक है, नेचुरल है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। लाइक इस पर इंग्रेडिएंट तो इतने शो नहीं हुए, तो इसका रिजल्ट देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है इसका। पेरेंट्स इस पे काफ़ी ट्रस्ट करते हैं कि ये ब्रांड खरीदो भाई, काफ़ी अच्छा ब्रांड है और बजट में भी है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट, तो स्पेशल पेरेंट्स लोगों के लिए। ओ तरीकी गाइस, आप देख सकते हो इसकी पीएच वैल्यू अप्रोक्स 11-12 होगी, टोटली ग्रीन हो चुका है ये। अब क्या ही बोलूँ इसके ब्रांड के बारे में, मारो मुझे के सामने है। लोग बोलते हैं नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, प्रकृति से तैयार किया गया है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है इसकी। क्या बोलेंगे अब गाइस, बात करते हैं ममा अर्थ क्या विटामिन सी, जो कि काफी पॉपुलर है। लाइक टर्मरिक भी है इसमें, अब देखते हैं ये टेस्ट में क्लियर हो पाता है कि नहीं। तो करते हैं मिक्स अप। रिजल्ट देखते हैं इसका, काफी अच्छा रिजल्ट है गाइस। लाइक पीएच वैल्यू अप्रॉक्स 6 है, लाइक बैलेंस्ड है, काफी अच्छा है। ओह माय गॉड, वाओ, हम इसको यूज कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं लैक्मे ब्रांड की, काफ़ी सालों से चला आ रहा है, अब देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्या रिजल्ट। नाइस, ठीक है गाइस, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा, हल्का सा ग्रीनिश है, बिल्कुल हल्का सा, बट अप्रोक्सली ठीक है। लाइक अदर ब्रांड से तो अच्छा ही है, जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनसे तो काफ़ी अच्छा है, तो इट्स गुड वन। अब बात करते हैं गाइस सीटाफिल ब्रांड की, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इस ब्रांड को। अब देखते हैं ये रिजल्ट फुलफिल कर पाता है कि नहीं। नाइस, इसकी पीएच वैल्यू अप्रॉक्स 6 है, काफ़ी अच्छा है, 5-6 है। लाइक हल्का सा ऑरेंजिश भी है। लाइक अगर वो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया, तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी अच्छा ब्रांड है, इट्स लव वन। अब बात करते हैं गाइस निविया ऑयल कंट्रोल, अब देखते हैं इसका रिजल्ट। ये भी काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी पुराना ब्रांड है निविया।
अब देखते हैं गाइस इसका रिजल्ट। नॉट सेटिस्फाइड रिजल्ट, काफी ग्रीन है। अब गाइस बात करते हैं गार्नियर का विटामिन सी। लाइक मैंने पहले भी गार्नियर के बारे में बताया, इसके इंग्रेडिएंट मुझे हद तक काफी अच्छे लगे, तो दैट्स व्हाई आई चूज दिस। और मैंने सोचा कि चलो गार्नियर में शायद ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, इसका रिजल्ट देखते हैं। ओह नो गाइस, इसका भी जैसे ना फेस वॉश के बीच में भी कलर छूट गया, लाइक ब्लू कलर का, इतना हार्श है। लाइक गार्नियर तो फिर गार्नियर ही है। जैसा इस कागज का हाल हुआ है ना, वैसा आपके फेस का होने वाला है। सो बी वेयर प्लीज, मैं यही रिकमेंड करूंगा इन हार्श प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर दें। अब गाइस बात करते हैं बायोटिक का पपाया फेस वॉश। अब देखते हैं इसका रिजल्ट। मैंने पॉपुलर ब्रांड ही चूज़ किए हैं ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। गाइस देखते हैं इसका रिजल्ट। नाइस। अब गाइस हमारा लास्ट फेस वॉश बचा है अजोन का। अब देखते हैं इसका जो कि ब्राइटनिंग फेस वॉश है, क्या रिजल्ट आते हैं। गाइस देखते हैं इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा है गाइस, काफी हद तक इसका रिजल्ट अच्छा है, काफी अच्छा ब्रांड है। तो गाइज हमें ओनली पीएच टेस्ट के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना, डिपेंड नहीं रहना, इसके अलावा भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हाँ, अगर किसी की ऑयली स्किन है, कुछ रफ प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट अगर उसमें कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट हो, अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट हो, कई टाइप के इंग्रेडिएंट आते हैं, टॉक्सिक इंग्रेडिएंट, नेचुरल इंग्रेडिएंट और न्यूट्रल इंग्रेडिएंट, लाइक हमें इन इंग्रेडिएंट को चेक कर ही फेस वॉश बाय करना है। बोलोगे कि ये इंग्रेडिएंट कंपनीज वाले डालते क्यों, इन चीप्स इंग्रेडिएंट के भी कुछ फायदे होते हैं। पैराबेन होता है, वो प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ा देता है, जिससे कि वो 6 मंथ चलना चाहिए वो 1 ईयर चलता है, इससे कंपनी को फायदा होता है। हमारा क्या, हम तो भाड़ में जाए लोगों का क्या, जैसी मर्जी हो, बट कंपनीज को फायदा होता है। तो प्लीज़ गाइज समझदार बनिए। लास्ट में मैं बता देता हूँ कि कौन सा फेस वॉश रिजल्ट वाइज आया है। लाइक फर्स्ट नंबर पे सीटाफिल आया है, जो कि काफ़ी अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हो। और सेकेंड O3 का काफ़ी अच्छा ब्रांड है, सेकेंड नंबर पर आया है। थर्ड वन आप वाओ को चूज़ कर सकते हो, ये इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। फोर्थ नंबर पे मामाअर्थ का ब्रांड आता है, इट्स आल्सो गुड वन। फिफ्थ नंबर पे ओजोन का ब्रांड आता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। सिक्स नंबर पे हिमालय का नीम फेस वॉश, इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। सेवन्थ नंबर पे उस्तरा पॉपुलर ब्रांड है, और इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। एट्थ नंबर पे VLCC का चारकोल फेस वॉश, जो कि ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। नाइन्थ नंबर पे बायोटेक का, लाइक ये भी हिमालय जैसा ही है, बट इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, तो इसको भी चूज़ कर सकते हो। और टेंथ नंबर पे लैक्मे। बाकी मैंने रिजल्ट आपके सामने क्लियर कर दिए, और आप भी कमेंट में ज़रूर बताना है कि लाइक आपका फेस वॉश कौन सा है। आप भी घर पे चेक कर सकते हो और मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।